बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप शादी में बंदिश, तालीमी नाकामी, कारोबारी नुकसानात, सेहत के मसाइल, बेरोज़गारी, जादू टूना, बंदिश, नजरे बद, घरेलू लड़ाई झगड़े, मियां बीवी में नाचाकी, बे औलादी, सास बहू में तकरार, तंग दस्ती या दीगर परेशानियों में उलझे हुए हैं और आपके हर काम में रुकावटें आ जाती हैं जिसके हल होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, तो नक्शे मुकद्दस के वसीले से बड़ी मुश्किल भी हो तो वो फौरी हल हो जाती है। नक्शे मुकद्दस में वो पाक कलिमात तहरीर हैं जिनकी बदौलत हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से सही सलामत बाहर आए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ुबानी इन मुकद्दस कलिमात के फ़ज़ाइल सुनिए कि आप सरकार ने इन कलिमात के वसीले से मुश्किलात का हल इन अल्फाज में बयान फरमाया। सैयदना साद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास बैठे थे। आप सरकार ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना बतला दूं कि जब किसी रंजो अलम और इब्तलाउ आजमाइश में मुब्तला आदमी इसे पढ़े तो उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। कहा गया, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। आप सरकार ने फरमाया कि वो मछली वाले सैयदना यूनस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभाना का इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, नहीं कोई माबूद बरहक मगर तू ही, तू पाक है, बिला शुबा मैं जालिमों में से था। अंबिया कराम की करामात से हर दौर के लोग मुतासिर होते हैं क्योंकि उनकी करामात उम्मते मुहम्मदिया को मुश्किलात के हल के लिए एक नया रास्ता दिखाती हैं। इसीलिए सैयदना यूनस अलैहिस्सलाम के ये मुकद्दस कलिमात के फ़ज़ाइल जिस जिस इंसान तक पहुँचते हैं वो अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल के हल के लिए ख़ुद भी इन कलिमात की तिलावत करते हैं और अपने घर में भी हज़ारों और लाखों की तादाद में हर महीने इसका विर्द करवाते हैं। हमारे रूहानी सिलसिले में हर साल इन मुकद्दस कलिमात के नकूश ख़ास औक़ात में तहरीर करके रख लिए जाते हैं और फिर सिलसिले के तमाम मेंबरान मिलकर हर साल 10 करोड़ मरतबा इन ही कलिमात का विर्द मुकम्मल करके इन नकूश पर दम करते हैं। अलावा अजी, हमारे रूहानी सेंटर से जो जो साइलिन अपने मसाइल के हल के लिए कोई भी तावीज़ बतौर हदिया या अहद के ज़रिए फीस बिलिल्ला हासिल करते हैं या फिर हमसे अपने नाम के आदात के मुताबिक फ्री इसमें आज़म हासिल करते हैं तो उन्हें ताकीद की जाती है कि वो बरोज़ जुमा अपना तलावत करदा जिक्र इसमें आज़म हमें दुआ के लिए SMS करें। इस तरह हर जुमे को हमारे यहाँ अरबों खरबों की तादाद में जो जिक्र इसमें आज़म इकट्ठा होता है और जो सिलसिले के मेंबरान ने 10 करोड़ मरतबा हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम के मुकद्दस कलिमात तलावत किए होते हैं तो ये सारा जिक्र अल्लाह के हजूर पेश करके उन सब अफराद के लिए दुआएं करवाई जाती हैं और फिर इन सब नकूश पर दम कर दिया जाता है जिससे इन नकूश में इंतहाई रूहानी तासीर अल्लाह के पाक कलाम की बरकत से पैदा होती है जिससे कारोबार में बरकत, शादी में आसानी, हमल की हिफाजत, औलाद नरीना, मियाँ बीवी में मोहब्बत, ससुराल में इज्जत, पसंद की शादी, रोज़गार का हसूल, सफ़र में आसानी, सेहत के मसाइल, जादू टूना, बंदिश, नजरे बद का तोड़, बच्चों की हिफाजत, तालीमी कामयाबी, बे औलादी वगैरह के अलावा भी हर वो मुश्किल अल्लाह की रहमत से आसान होती है जिसका हल होना आम इंसान की नज़र में नामुमकिन हो जाए, मगर अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमारे रूहानी सेंटर में ये नक्श नक्शे मुकद्दस के नाम से मौजूद है। अगर कोई साइल ये नक्श बतौर हदिया या फिर अहद के ज़रिए फीस बिलिल्ला हासिल करना चाहता है या फिर अपने नाम का इसमें आज़म हासिल करके अपने लिए मुकद्दस मुकामात पर दुआ करवाने के लिए नाम लिखवाना चाहता है तो मर्द हजरात हसनैन साहब से 03065111214 पर और ख़वातीन 03217970893 पर रब्ता कायम करें। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट भी कर सकते हैं। शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।